गिरता है। ब्लड फॉल्स विक्टोरिया लैंड ईस्ट अंटार्कटिका में मैकमुडो ड्राई वैलीज की टेलर वैली में टेलर ग्लेशियर की जीप से बहने वाले खारे पानी के आयरन ऑक्साइड युक्त ढेर का बहिर्वाह है। लोहे से भरपूर अत्यधिक खारा पानी बर्फ के झरनों में छोटी छोटी दरारों से छिटपुट रूप से निकलता रहता है। खारे पानी का स्रोत ब्लड फॉल्स में अपने छोटे से आउटलेट से कई किलोमीटर दूर लगभग 400 मीटर 1300 फीट बर्फ से ढका अज्ञात आकार का एक भूमिगत पुल है। लाल रंग का भंडार 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी थॉमस ग्रिफिथ टेलर द्वारा पाया गया था, जिन्होंने सबसे पहले उस घाटी की खोज की थी जो उनके नाम पर है। अंटार्कटिका के अग्रदूतों ने पहले लाल रंग के लिए लाल शैवाल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि यह लौह ऑक्साइड के कारण था। कम घुलनशील हाइड्रोस्फेरिक ऑक्साइड बर्फ की सतह पर जमा हो जाते हैं जब जमे हुए खारे पानी में मौजूद फेरस आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीकृत हो जाते हैं।